करेगा रिकॉर्डिंग का, पढ़ाना तो अच्छा, मेरे को कभी ही। आप ही कहते हैं सर नहीं नहीं बता दिया, ये। बता दो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरा कर लेना चाहिए ना, बहुत अरे जरूरी होती सर हैं। क्यों अच्छा नहीं, बहुत सही है, बहुत सही है, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। आपकी तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिकॉर्डिंग, तुम और काम तो जरूरत पड़ेगी तो मैं तो एक क्लास ले लूंगा जिसकी भी इसको जरूरत पड़ेगी। कुछ बच्चे मेरे दिमाग में बस गए हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं रियल में, तो मैं उनको कभी भी क्लास दे सकता हूँ, वो चाहे तो सुबह 4 बजे तक क्लास दे सकते हैं मेरे। लेकिन जो बच्चे मेरे को नहीं कुछ करके दिखा रहे हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो उनको मेरे लिए अभी टाइम नहीं है, तो मेरे को उनके लिए टाइम नहीं होगा आने वाले वक्त में, 1-2-3 महीने बाद, ध्यान रखना। ठीक है। अ स्मॉल ट्री सेट अप फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड वर्ल्ड ऑफ सॉलिड कंक्रीट। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ हाफ मीटर एंड ट्रेड इज हाफ मीटर। हाफ मीटर दिया हुआ है, 1/4 मीटर होगी इसमें से। ठीक है, तुम्हारे में क्या दिया हुआ है बुक में? तो मेरी बुक में मिटा हुआ है, तो तुम लोग की बुक में क्या दिया हुआ है? वन बाई ईच फोर स्टेप एंड हैज वन अ बाई राइज टू ऑफ 1/4 मीटर। वन बाई फोर मीटर एंड थ्रेड इज 1/4 मीटर ना, 1/2 मीटर, नहीं, फेर ऐसा 1/2। जी थ्रेड 1/2 है। ठीक सर, है, मतलब इस तरीके की सीढ़ियां हैं कुछ, देखना जरा, समझने की बात करना, कुछ बात करते हैं। एक फुटबॉल का चबूतरा, आनंद नहीं आया? फुटबॉल का चबूतरा है यहाँ पर, पहला चबूतरा फुटबॉल ग्राउंड में, छोटा सा चबूतरा है और उसमें लगी है सीढ़ियां, ऐसा कुछ है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, जरा सा डायग्राम उधर से समझना, फिर ये छोटा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया। फिर ये छोटा होगा, फिर ये बड़ा होगा, ये सीढ़ियां कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे को, मतलब समझ ना रहेगा, रोड की चलती कैसी सीढ़ी है। ऐसे करके सीढ़ियां हैं, ठीक है ना, इधर से भी ऐसे, समझने की कोशिश करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो नहीं समझ रहा है बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जो आज नहीं आया मतलब उसने बहुत बड़ा चांस गवा दिया है। ऐसे करके बहुत सीढ़ियां हैं, ऊपर भी बहुत होंगी, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान रखिए, दरअसल हमको जे तो दिया हुआ है 1/4 सेंटीमीटर, और ये हमको दिया हुआ है कितना है, 1/2 सेंटीमीटर। 1/4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 1/2 सेंटीमीटर हमको ये दिया हुआ है, फिर जो 1/4 होगा फिर 1/2 होगा, जो ये इसकी लेंथ सेंटीमीटर ये होगी, नहीं है सर, है ना, मीटर है। क्या हाँ सर, मीटर 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 है, है सर, मीटर में मीटर है है। सर, जी काट दीजिए। तो मेरी बुक है ना, इसमें मिटा मिटा सा है, मेरे पास बुक बहुत पुराने टाइप की है लेकिन है नहीं, तो मैंने वो कैसी बुक देके गया, बुक मिटा हुआ है सब कुछ मेरे पास, आधे ज्यादा वर्ड मिटे रहते हैं, बुक दूसरी लेके आता हूँ उसके। मैं सोचता हूँ नेट पे पड़ी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/2 1/4 मीटर, ये तो ये कितना दिया हुआ है, ये ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ इतना और 50 मीटर। ईच स्टेप 50 मीटर, तो इसका वॉल्यूम तो तुम बता ही बता ही दोगे, वॉल्यूम नहीं बता जी सर, पाओगे इसका। यस बता ये देंगे। अभी जब एक बॉक्स बन गया ना पूरा, ये तो देखो, हाँ सर, ये बॉक्स बन गया, मतलब ये ऊंचाई, ये आपकी क्या, ये चाय ऊंचाई, ये चौड़ाई और ये लंबाई, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, क्या हो जाएगा इसका, 1/4 1/4 × 50 कितना आ जाएगा वॉल्यूम इसका, एक स्टेप का वॉल्यूम कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 5 जा 10,
कितना आ गया 25 अपॉन, ये आएगा 25 अपॉन 4 कि भैया ये वॉल्यूम आएगा। यस सर। मेरी बातों को ध्यान से देखो, सुनना तो मेरी बातों को, क्या करना ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान सुनना। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन फर्स्ट स्टेप में कितना आ रहा है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन फर्स्ट स्टेप कितना आ रहा है बेटा? 25/4 सर। 25/4 ठीक। कब आ रहा है, कब आ रहा है ये? जब हमारा क्या था 1/2 इंटू में 1/4 इंटू में 50 किया था तभी मिला था हमें। अब बात दूसरी करते हैं। यस सर। वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इन सेकंड स्टेप कितना हो जाएगा बताइए? 1/4 इंटू में देखो, अब देखना इस वाले स्टेप की बात चल रहा है, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप की बात चल रहा है बेटा, तो ये पूरा हो जाएगा यहां से यहां तक पूरा लेना पड़ेगा वो तो ये बनेगा। यस। तो अब मेरे को ये बताइए कितना हो जाएगा जी? सर 1/4 प्लस 1/2 है, 1/2 हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा। इसकी जो क्या 1/2 हो जाएगा सर, ये 1/4 डबल हो जाएगा ना? हाँ 1/4 डबल कर दो, ठीक है कर दिया मैंने। यस सर 1/2 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा ये वाला सर? ये 1/2 हो जाएगा ना, इसकी बोल रहा हूँ ना, इसकी एक ये कितना होगा, ये हाइट 1/2 हो जाएगा। यस सर। यस सर। सर 1/2 और ये कितना हो जाएगा? ये सर ये 1/2 ही रहेगा। ये भी 1/2 है, ये 1/2 रहेगा। यस सर। और हमारा 50 ये रहेगा, क्या सही कर रहा हूँ मैं? यस सर। सेकंड स्टेप में यही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ तरीका भी नहीं है ना इसमें, और कुछ तरीका भी नहीं बोल रहा है, और कुछ है भी नहीं इसमें। अगर इसका इतना ही लेता हूँ, अगर इतना भी ले लेता हूँ इतना सा, तो इतना कौन देगा फिर मेरे कॉन्क्रीट, इतना कॉन्क्रीट कहाँ चला गया? ये कॉन्क्रीट भरा हुआ है ना, 1/2 × 1/2 × 50 कितना हो जाएगा? कितना आएगा सेकंड? 25/2 सर। 25/2 वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट कितने में? थर्ड स्टेप में कितना हो जाएगा बताइए? थर्ड स्टेप जी वाला पूरा जी लिखना है, कितना होगा सर? 3/4 1/4 + 1/4 + 1/4 ये हो जाएगा 4 और 3/4 ठीक है, 3/4 ये पूरी होगी ना हाइट 1/2 3/4 इंटू में ये तो 1/2 इंटू में क्या जाएगा 50 कितना आएगा देखो जरा 75/4 तो क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें? तो देखने को मिला एक आ गया मेरा 25/4, एक आ गया मेरा 25/2, एक आ गया 75/4, तो क्या डिफरेंस क्या आ रहा है इनको? सर 25/4 का डिफरेंस आ रहा है सर, हर किसी में, इसमें करके इसमें भी 25/4 आ रहा है। यस सर। तो हमारा ए यहाँ पर हो जाएगा कितना 25/4 और डी भी हो जाएगा 25/4, सही बात है क्या? यस सर। सही है, तो करिए इसको ऐसे निकालिए कितना आ रहा है। ऐसे निकालिए, सीढ़ियां कितनी होंगी? 15 तक जाना है, 15 सीढ़ियां हैं भैया, एन की वैल्यू 15 दी हुई है, देख लो क्वेश्चन में पढ़ लो, एन की वैल्यू 15 दी हुई है आपको, 15 स्टेप तक है ऐसे। सेवन फिफ्टी मीटर क्यूब यानी कि 750 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट लगा होगा इस पूरी सीढ़ियों को बनाने के लिए, इतना ठीक है, 750 मीटर क्यूब इतना कॉन्क्रीट लगा होगा ये पूरी सीढ़ियां बनाने के लिए,
समझ में आ गई बात, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ये चीज एक से बताइए सर, आईएस अम्बा जी के सर थ्रेड किसको कहते हैं, ये तो मैं नहीं आया पूरा उसका। क्या नहीं आया? थ्रेड किसको कहते हैं? थ्रेड बेटा तुम्हारे सामने ये है, इसको थ्रेड बोलते हैं, ये थ्रेड है ना, देख रुकना, 1/2 दिया हुआ है ना थ्रेड, यही थ्रेड होता है। ठीक है ये तुम्हारी जो, इसको क्या दिया हुआ है, इसको क्या बोला गया, 1/4 हाइट करके कुछ बताया गया, क्या बताया गया बताइए, कौन बोलेगा, कौन बताएगा? अरे सो रहा है वो क्या? क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना जरा, क्वेश्चन पढ़ो। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 15 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter. Rise of 1/4 meter. ठीक है, rise मतलब उठाओ उसका, ऊंचाओ उसका, 1/4 meter and terrace. Terrace मतलब जिसपे आप पैर रखते हो, terrace steps वहां पर जो रखे जाते हैं उसको ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, वो कितना दिया, 1/2 मीटर, सही तो दिया है। नहीं सर, 1/4 राइज दिया हुआ है ना, 1/4 हाँ ना सर, वो तो क्या, मैंने ट्रेड बोल रहा हूँ, ट्रेड ट्रेड 1/2 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, मैं इसकी बात बोल रहा हूँ। यस सर, राइज दिया हुआ है 1/4, ट्रेड बोल रहा हूँ मैं तो। ये ट्रेड कितना दिया हुआ है आपको, 1/2 दिया हुआ है, जहां पर आप पैर रखते हो वो तो चौड़ा ही होना चाहिए ना भाई, ऊंचाई कम, बहुत अच्छी बात है, सीढ़ियां बिल्कुल सही बनी है, ऊंचाई कम होना चाहिए, जो चौड़ा होना चाहिए पैर रखने के लिए, अच्छा सीढ़ियां बिल्कुल सही बनी है। कॉन्क्रीट निकालना था कि इसमें पूरा कॉन्क्रीट कितना लगा हुआ है, तो एक स्टेप पर निकाले, एक रेक्टेंगल बना, दूसरा रेक्टेंगल बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना, ऐसे बनते जाएंगे, पहले तीन के निकाल लिए, कितने का डिफरेंस आ रहा है बस ये पता कर लिया हमें, डिफरेंस इतने का आ रहा है इन स्टेप में, बट डिफरेंस जहां पता चल गया, एक ही वैल्यू तो पता ही है, पूरे स्टेप निकाल दो, स्टेप पर ऊंची कितने हैं बस हमारे, तुम वॉल्यूम निकाल दोगे आराम से, एपी से कैसी भी ब्लॉक हो सीढ़ियों में, घर पे सीढ़ियां हैं। हाँ नहीं, ब्लॉक में समझ में आई है, बस ये पूछ रहा हूँ कि 1/4 जो क्वेश्चन में दिया था सर, डबल का किया या वो डबल क्यों किया, क्या चीज इसमें लिखा है सर, ईच स्टेप है राइज ऑफ 1/4 मीटर, तो सर कुछ नहीं करा, पहले तो ये रखा, इसके बाद 1/4 जे है तो 1/4 जे भी होगी, नहीं होगी तो वो तो होगी यार, उसमें क्या दिक्कत है, जब सीढ़ियां इतनी चल रही हैं, वो ईच स्टेप बताया ना उसने, हर स्टेप का बोला है ना उसने। पूछा जाए सर, तो केजी में पूछा जाए ऐसा कितना मतलब किलो कॉन्क्रीट लगा, कितना किलो कॉन्क्रीट लगा बताओ, कौन बताएगा तुमने, मीटर क्यूब को केजी में कन्वर्ट करो जल्दी से बताओ भाई, कौन बताएगा, क्यों आनंद इतना कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, मीटर क्यूब को केजी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, चार तक बताओ जरा, कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब को केजी, कौन बताएगा, सो मैं क्लास में एक मीटर क्यूब बराबर 1000 किलोग्राम होता है, तो भैया इसको आप उसमें बता दो, एक एक मीटर क्यूब करता दिया हुआ था, 7 कितना आया था, 750 आया था, कितना आया था बताओ, 750 कितना हो जाएगा इनटू में, लो 750,000 ले भैया,
तेरा केजी में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं ग्राम ग्राम में चाहिए तो बता देना, वो भी अपने पास है, मिलेगा सब ठीक है। इतना केजी कंक्रीट लग जाएगा, लेकिन जब वॉल्यूम पूछा है तो केजी में काय मरे जा रहे हैं। अरे सर बस क्वेश्चन आया था मन में। मन में आया था, मन में ही रखा करो, तो बनाना है क्या फुटबॉल मैदान बनाना है क्या? नहीं सर, इतना किलो लग जाएगा यार कंक्रीट, ठीक है एक सही बात है। विशारदक फुटबॉल का मैदान बनाना है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ वाला है इसका आप लोग करेंगे, फोर्थ वाला, थर्ड वाले का मैंने बता दिया था कि लैडर रंग्स 25 सेंटीमीटर, जी आप लोग लगाएंगे क्वेश्चन ठीक है घर पर, और नहीं आएगा तो फिर तो मैं बैठे ही भैया लगाने क्या करें, नहीं आएंगे तो उनके लिए तो। अब क्या करना चाहिए भाई बताइए। एज योर विश सर, डाउट्स करवा दीजिए सर। डाउट्स अच्छा क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, ठीक है सर जैसे आपकी इच्छा। अब बच्चे हैं ठीक है, बच्चे कितने हैं, पढ़ने वाले बच्चे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं आया वो नहीं पढ़ना है हमको, सीधी सी बात है। कौन नहीं आया नाम बता दो जा मेरे को, जाओ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिर बाद में टेंशन ना हो किसी। शगुन सर, अंकित सर, ये की नाम याद रहता तेरे को, और अंक और कौन नहीं आया, अंकित नहीं आया, और स्वयं सर, स्वयं स्वयं नहीं आया, और कौन नहीं आया, शगुन भी। अबे कितनी और बोलेगा फोन लगा ले, अरे नहीं सर ये काम नहीं करते, बार 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 बोल रहा है, अरे बता रहे थे सर, अबे मैंने सुन ली थी एक ही बार लेके था उसका तो सर मैं नहीं सुन पाया था, तुम सब मैंने दो बार बोल दिया। चलिए भैया ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं ठीक है, जरा दोस्तों को अपने फोन करके बुला लो, जिसके दोस्त रहेगा स्वयं वगैरह किसी का दोस्त हो भाई बुला लो यार, किसी छूट जाएगी ट्रिग्नोमेट्री अच्छा ही लगेगा। दो तीन मिनट में फोन करके बुला लो, अच्छा ही लगता है, किसी को छूट जाए अच्छा लगेगा आपको, सबका साथ सबका विकास है ना, तो वो सोचिए ऐसे। आगे भी है सर, सर अपने होते ही है सारे, तुम आ गए आप सुन में क्लास में ठीक। अरे सर मैं तो कब से हूँ। कौन कौन नहीं आया भैया क्लास में? सर मैंने अंकित को फोन लगाया था सर, वो उसका स्विच ऑफ है सर। स्विच ऑफ ही है, उनके माँ कोई बोलेगा मेरे से तो भैया सीधी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जाने दीजिए। और कौन कौन नहीं आया भैया क्लास में? दो मिनट थे तुम दो मिनट सी शार तक आप लोगों ने किसी और को नहीं बुलाया, स्वयं आयम को कोई नहीं बुलाया किसी ने, स्वयं को बुला लो यार, तुम लोग के साथ का ही है वो ठीक है। तीन चार पांच कितने बच्चे बैठे हैं, दो तीन बच्चे गायब है, स्वयं नहीं है, अंकित नहीं है, आशा बन उसका तो चलेगा वो तो भैया, दो दो जगह मैच कर लेंगे, समझ में एक ही जगह नहीं आता है और दो दो जगह। सर ट्राइंगल्स पढ़ लें क्या सर? ट्रिग्नोमेट्री पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी ना तो तुम लोग को आर डी शर्मा से भी लगा सकते हो, एक्सरसाइज ऐसी है कि कुछ फिर उसके बाद ट्राइंगल्स तो ये है कि मैं तो पढ़ाता ही हूँ फिर उसके बाद ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाता हूँ।
ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ लो ठीक है। अपन ने ऐसा कर लिए सर, अपना चैप्टर्स कंप्लीट खत्म नहीं हुए बेटा अभी तो। अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कराने के बाद कोऑर्डिनेट कराऊंगा, कोऑर्डिनेट के बाद जब ट्रायंगल चलाऊंगा ना तो साथ साथ में मैं एनटी एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी चलाऊंगा हर चैप्टर, उसके बाद धीरे से उठा लूंगा इधर पे आरडी शर्मा। बस मेरा टारगेट अचीव हो गया, टारगेट तुम लोग का नहीं मेरा टारगेट है वो, कुछ तो वो ऐसे ही बजाना चाहिए। सर स्वयं भी फोन नहीं उठा रहा सर, बस मेरे काम है सुनो और किसी को लगाना सर। अब किसी को लगाना बस अपोजिट साइड, जे एक एंगल होता है जिसको थीटा बोलते हैं ठीक है, ऐसे पढ़ाया था स्कूल में, एक एंगल होता है जिसको थीटा लेते हैं या बोलते हैं ठीक है। ये ए बी और सी है, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड, इसको बोलते हैं बेस। कब बोलेंगे? जब ये 90 डिग्री होगा। ये होता है हाइपोटेन्यूस एच, और ये होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब एक चीज आई है दिमाग में कि सर आपने ये तो बोल दिया लेकिन कैसे बोला ठीक है। जैसे मैं एक चीज बोलूंगा अभी कॉस और साइन बताऊंगा तो तुम बोलोगे सर आपने कैसे बता दिया जी, आपको समझ में नहीं आया ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसको, ये परपेंडिकुलर भी तो है, इसको एक नाम और दिया हुआ है जो नाम है परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं एडजेसेंट। एपी के जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो मेरे को लगे हुए चाहिए आपकी कॉपी में, तो प्लीज मेरे को इतना ध्यान रखना कल लगा के लेके आना जो क्वेश्चन मैं छोड़ दी, मेरे को उसके आंसर चाहिए, डाउट्स क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, ये नहीं सोचना था मैं छोड़ दिया, मैं छोड़ा कुछ नहीं है, मैंने दो तीन से दो क्वेश्चन दिए हैं सर उसमें करने के, करके लेके आना। ये होता है आपका एडजेसेंट, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस तो हाइपोटेन्यूस रहेगा ही, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। ये हो गया बेस, दो नाम होते हैं इसके ठीक है ना, ध्यान रखना ये। अब साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले ठीक है। ये एक ट्रिक है इसकी, एक पाकिस्तान भूखा प्यासा सा हिंदुस्तान हरा भरा क्या, अरे यार अब जो बता रहा हूँ वही याद रख लो, हरा अभी हिंदुस्तान तो हरा ही भरा रह जाएगा, तुम हरियाली से बाहर हो जाओगे। जो बता रहा हूँ याद स्टार्ट कर दिया सर दोनों लोगों की ठीक है, तो जो बता रहा हूँ उसको पढ़ है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, इसका मतलब क्या है देखो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद क्या हो जाएगा देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन, सोना मतलब साइन थीटा, बद्री हर चांदी मतलब क्या हो जाएगा, चांदी मतलब कॉस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा बेस अपॉन, बद्री मतलब बेस और हर मतलब हजार मतलब हाइपोटेन्यूस ठीक है। इसके बाद टेन थीटा तोले, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्रसाद अपॉन बोले मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आया समझ में। ये चीज नोट कर लो अपनी अपनी कॉपी में। Oh, boy.
क्या ट्रिक निकाली सर आपने, पूरे दिमाग में घुस गई सर। घुस गई अभी तो पूरा सब कुछ घुस जाएगा, लेकिन मत इतना है बेटा, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना। प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो गए तुम काम से, यू चले जाओगे यू। अभी तो इतने फॉर्मले है इसमें कि तुम लोग कहीं रोना देना, क्योंकि तुमको पता अभी वो जो नवोदय विद्यालय बच्चों पढ़ाया था तो बच्चे रोने लगे, इतने भयानक फॉर्मले सर याद ही नहीं कर पाए थे। मैंने पहले ही बोला था और बार बार बोल रहा हूँ, मैं तो सिलेबस कंप्लीट टाइम से पहले करा दूंगा और एक बार और करा दूंगा और एक बार और करा दूंगा। तुम लोग चाहोगे कि सर हम खुद से नहीं पढ़ पा रहे, सर आप ही करा दो एक बार और 15 दिन में और सिलेबस करा दीजिए, तो तुम लोग को सिर्फ कॉपी खोलना पड़ेगी, कॉपी खोलना अपनी, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा बोलते जाना। आरडी शर्मा लगाते रहो, उसको एक टाइम दे दो आरडी शर्मा, बस एक टाइम दे दो कि भैया मैंने आरडी शर्मा को चार टाइम दे दिया है, 4 बजे से 6 बजे तक का टाइम आरडी शर्मा का है, कोई नहीं हो सकता। तो देखना तुम अपने आप में, अपने आप ऐसा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, अपने आप मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही एक अपने आप में कुछ बन जाओगे, क्योंकि टाइम बहुत अहमियत करता है लाइफ में देना किसी चीज को। कोई भी काम कर लो लाइफ में, अगर आप टाइम दे रहे हो उसको तो मतलब एक गड्ढा खोद रहे हो, डेली खोदने जा रहे हो उसको, भले तुम खुद गिर जाओ उस गड्ढे में, ठीक है, लेकिन तुम खोद रहे हो तो खुद से चले जाओगे, डेली खोद रहे हो, एक दो फड़ुए मार रहे हो तो गड्ढा एक टाइम देखना गहरा हो जाएगा, टाइम के ऊपर होता है। अब जेनी बोल रहा सर एक एक लोटा डेली हम समुद्र से पानी लेके आए, समुद्र खाली नहीं होगा, बोल रहे जिंदगी निकल जाएगी खाली नहीं होगा। एक एक लोटे से क्या होगा सर, समुद्र खाली नहीं होती। अब छोटी सी बात और देख लो, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक और कोसेक थीटा, मैंने उल्टे क्यों लिखे हैं यहाँ से सर, क्योंकि सर ये कॉट थीटा वो सर टेन थीटा का उल्टा, सेक थीटा वो सर कॉस थीटा का उल्टा, इसलिए सर ठीक है 1 2 3 और 3 2 1 ठीक है, इसी का जब डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी सर फॉर्मूले से, नहीं तो एंट्री मत करो गलत, ठीक है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अरे इतना मोटा कैसे आ गया भाई, क्या उठा लिया मैंने, कॉट थीटा क्या हो जाएगा PYB, इसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट देखना HYB, इसका हो जाएगा HFB, देखो H था नीचे यहाँ पर ऊपर चला गया और B था नीचे, वो नीचे आ जाए ऊपर था नीचे आ गया, sec में कुछ cos sec में कन्वर्ट हो गया, देखो sin HYP HYP ठीक है। अब ये ऑन नोट कर लो, अब बोलोगे सर जी कैसे आ, नोट तो करो फिर बताता हूँ, फिर चेक करना सर, कर लिया नोट सर। हाँ सब पाइथागोरस थ्योरम की क्या प्रूव है क्या? अरे यार सब देखने को मिलेंगे, तो मैं थोड़ा तो टाइम रखो, थोड़ा सब्र तो रखो, मैं कह रहा हूँ बीच से चलो फिर अटका जाओगे बीच में तो। हाँ सर, हाँ बोलिए भाई सर, इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कहते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यस। देखिए अब एक चीज बताइए मेरे को सर, एक मिनट, वो कोसेक सेक उसके बाद क्या था? अरे यार तू नोट नहीं किया था, लो लास्ट वाला किया था, क्या हो गया था, लाला लाला क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं हो गया सर, नोट हो गया। अच्छा साइन थीटा होता है 1/ कोसेक थीटा, भूलोगे तो नहीं ये बात जो मैं लिखा रहा हूँ? अरे नहीं सर, साइन थीटा होता है 1/ कोसेक थीटा, कैसे आया? क्योंकि साइन थीटा और ये कोसेक थीटा भाई साहब होते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, इनका 1 होता है इनटू, ये बात भी ध्यान रखना है तुम, मैं कह रहा हूं ध्यान से जो पढ़ा रहा हूं बस वही देखते जाओ, ये तो पगला जाओगे, ये पागल से हो जाओगे तुम अपने आप, जो दिखा रहा हूं वही देखते जाओ, ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं करना,
साइन थीटा क्या हो जाता, कैसे आया था वो सर, आपने उल्टा कैसे लिख दिया था? वन अपॉन कोसेक होता है, ठीक है, अगर मैं कोसेक थीटा जानता हूँ, पी अपॉन बी होता है, क्या होता है, पी अपॉन बी होता है या पी अपॉन एच होता है? मर गए, कोसेक थीटा, एच अपॉन पी, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, पी अपॉन एच नहीं हो जाएगा, इसलिए इसका अपोजिट होता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए कोसेक थीटा को हम क्या बोलते हैं, एच अपॉन पी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का मान वन होता है, इनटू इनटू करने पर जो वैल्यू आती है वन आती है, ठीक है। जब जब वैल्यू वन आती है तो सीधी सी बात है कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक थीटा अगर हमें पता है कि क्या होता है, एच अपॉन पी होता है, तो साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए जी आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, अपोजिट। नोट कर लो ये बात, आगे फिर चलते हैं अपन, आगे तो आप लोग आराम से बता दोगे, एक चीज बता दी है तो आप 10 चीज बता दोगे। हे भगवान, नोट हो गया? चलिए, अब मेरे को बताना, cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है, वन। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन sec थीटा हो जाएगा। यस सर। ऐसे ही क्या है, tan थीटा cot थीटा क्या होता है, वन। तो tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा, वन अपॉन cot थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। और tan थीटा को एक बात और लिख सकते हैं, क्या होता है, sin थीटा और कौन cos थीटा। और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए अब हमारी बात सुनिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बातें याद रखना है, जल्दी लिख जाऊंगा फॉर्मूले में, ठीक है। तुम लोग को हर एक चीज याद रखनी है यहाँ पर, ये बात है, नोट कर लो इतना जल्दी से, पहले समझते चलो फिर नोट करें, नोट करो जल्दी ही कर लें, आगे पीछे की स्लाइड अभी खोल दूंगा, नोट कर लें। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। अब इसके बाद cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वन प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस वन। cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन, cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है बात की, पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, तरीके से नोट कर लीजिए पूरे, बिल्कुल तरीके से। सर आपने तो 3-4 मिनट में इतने सारे पॉइंट्स बता दिए। अभी तो बहुत बाकी है मेरे भाई, तो स्टार्ट है। क्या सर, अभी सर और भी है क्या सर? हाँ अभी तो बहुत है बेटा, तो स्टार्ट है, शुरू है। अरे सर आप कभी ऐसा कैसी बातें करते हैं सर? तुम लोग आरडी शर्मा ऐसे ही लगा लोगे क्या, कुछ मैं बताऊंगा नहीं क्या उसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी लग जाएगी आरडी शर्मा से, हंसी मजा आ गया क्या?
उसको याद रखना पड़ेगा भाई मेरे को। कर लिया नोट? अबे आराम आराम से नोट करोगे तो मेरे को मत ऐसे। हाँ चीज पूछो। सही है, जो आपने ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट, मेरे को समझ में नहीं आया आपको क्या पूछ रहा है। पेन यूज कर लूँ? हाँ पेन यूज कर लीजिए आप बिल्कुल। सर जो आपने ये लिखा है और फिर इसको नीचे किया है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। अच्छा पक्का? पक्का? नहीं सर आप सही हो सर। मैं तो सही रहता ही यार, तुम लोग गलत रहते हो हमेशा। फिर से देखो पक्का, ढंग से देख लो पहले, ऊपर देखो और नीचे देखो। सर आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया ना। बोलिए सर। आ गया आ गया। हो गया नोट? अभी तक तो नोट नहीं कर पाए तुम लोग यार। सर हो गया। अरे सर हो गया सर, हो गया सर, हो गया बैठे ले सर। जी सर। अब देखिए देखो, साइन ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना थोड़े। साइन टू ए इज इक्वल टू क्या होता है? टू साइन ए कॉस ए। अब ये नहीं बोलना अगर सर साइन टू थीटा लिखा हो तो ये भी हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये यहां पर एंगल है, बात ध्यान रखनी। साइन टू ए इज इक्वल टू क्या होता है? टू टेन ए अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, साइन टू ए इज इक्वल टू और क्या होगा इसका बताओ? इसको पता है, पढ़े कभी ट्रिग्नोमेट्री? पढ़ी है किसी ने? किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है? बोलो। यस सर मैंने पढ़ी थी। बताओ अब इसके बाद कोई फॉर्मूला है साइन टू ए का? तो साइन टू ए का सर यही फॉर्मूला था सर जो आपने ऊपर बताया सर, टू टेन। और कोई बचा है? एकाध है कि नहीं? नहीं है अब कोई फॉर्मूला नहीं है। यस सर। सेकंड वाला देखो, कॉस टू ए इसका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। लिख लेना ये फॉर्मूले, ठीक है, बहुत काम आएंगे। अगर मैंने बोल दिया कुछ लिख लेना तो लिख लेना, काम आ जाएगी तो आ जाएगी। कॉस टू ए इज इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर। ठीक है, ये बात भी लिख लेना, सब लिख लेना, बिल्कुल नोटेड कर लेना डाउन अपने में। ठीक है, और कॉस टू ए होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए और वन प्लस टेन स्क्वायर ए। और कॉस टू ए होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। नोट कर लो इसे, नोट कर लीजिए भाई साहब। जैसे मैंने बताया मेरे नोट्स का इस्तेमाल करिए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और आपने अगर मेरे नोट्स का इस्तेमाल नहीं किया, आपने दिमाग चलाया आगे आगे, तो आप निपट जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा।
ट्रिग्नोमेट्री में यस सर प्रैक्टिस सबको जो सर सर हां सर सर अरे सर जी लेफ्ट हैंड साइड पे सर sec स्क्वायर थीटा के बार माइनस 1 है ना tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अरे बेटा वो तो वैसे ही हो जाएगा ये जब a 1 इधर आएगा तो tan उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हां सर बोलो तो मैं कंफर्म कर रहा हूं अरे कंफर्म भाई मेरे अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बता दो नहीं तो सीधी सी बात है कि जहां जैसे लिखा है वैसे लिख लो तो इससे कन्वर्ट कर लो ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए इससे कन्वर्ट किए मेरे से ओके सर ओके हां ठीक लॉकी कहो तुम घर पे बैठ के और बताओ भैया और कुछ है क्या इसमें लॉकी सर चलिए आगे फॉर्मूला और लिखिए अच्छा रुक जाइए सर पहले इतना मैं कॉपी कर रहा हूँ सर अभी ये फॉर्मूला याद करके आना कल है जो मैंने बता दिया सर आपने तो मैथ्स को भी सर इंग्लिश बना दिया तो रहते ही है ना कुछ किसी में भैया के फॉर्मूले तो मैं क्या करूं मतलब मैं घर में रख लूं अपने तुम्हें देनी पड़ेगी ना मेरे को हैं बिल्कुल सर सही बात है सर अगर जो फॉर्मूले हैं तो मैं तुमको दूंगा ही मैं घर में थोड़ा रख पाऊंगा उसको सर इसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है क्या बिल्कुल होता है अभी तुम्हारे जो जो सीगरी में पुल बन रहा था बड़ा हाईवे हाईवे समझे वही हाईवे है जी हाँ सर सदर की सर ट्राइंगल है सर अब सर ट्राइंगल की निकालना सब पूरा एरिया परपेंडिकुलर हाँ सर थीटा यूज होता है मेनली मशीनों में बिगर एंगल के कुछ काम ही नहीं होता कार के रोबोट होते हैं ना जो रोबोट कार बनती है जो रोबोटिक बन जाते हैं किस एंगल पे डिग्री पे डिग्री पे डिग्री ऐसे काम होते हैं बेटा ओके सर बहुत काम होता है ये क्या बताओ तुम पुल कब तक बन पाएगा क्या सीपरी का पुल कब तक बन पाएगा बोलो पुल नहीं बना रहा है एहसान कर रहा है बन पुल नहीं बना रहा एहसान कर रहा है सर कहने का मतलब है सर सही बात है कि नहीं पुल नहीं बन रहा है एहसान हो रहा है अपन झांसी वालों से हां सर ये रियल नंबर की सर जो प्रूविंग थी और सर जो पॉलीनोमियल्स हैं इनका क्या यूज है देखो रियल नंबर की जो प्रूविंग्स हैं इनका ये यूज है कि तुम्हें जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं क्रिएट नहीं होंगी लाइफ ठीक है तुमको इतना घुमाया जाता है कि तुम आगे चल के गलती ही नहीं करोगी रही बात नंबर की है तो ये ऑड इवन नंबर लाइफ में कोई ऐसा कुछ काम मैंने आज तक देखा नहीं ठीक है लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करते हो प्रोग्रामिंग का मतलब जब आपकी मशीन है समझो कोई सीएनसी मशीन है उसको एक टूल बनाना है कोई टूल का मतलब समझते हो कोई भी एक वर्कपीस है और उसको क्या करना है उसको ड्रिल करना है और ड्रिल करना है हमारे पास टाइम नहीं है ना इतने वर्कर्स हैं कि हम लगा सकते एक मशीन पर एक बंदा लगा रहता है ठीक है जिसको हम सुपरवाइजर बोलते हैं वो एक जगह लगा रहेगा वो सिर्फ कोडिंग दे देगा तो कोडिंग के हिसाब से मशीन वर्क करती है और मशीन जो बनती है उस टाइम जो चीजें अप्लाई करी जाती है ठीक है नंबरिंग कोडिंग तो वहां समझ में आता है इसका यूज जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे नंबर्स को मेनली यूज वहां होगा बात समझ में आई यस सर जब आप सी प्लस प्लस पढ़ेंगे आगे चल के है क्या अभी आप लोग तो उसकी पढ़ रहा है ये सब पढ़ोगे जो जाके जैसे आपके गेम बनते हैं गेम ये पबजी बन रहा है ये कैसे बन रहा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कैसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग सब नंबर्स का खेल है और कुछ नहीं सब कैलकुलेशन है सब मैट्रिक्स है अभी पढ़ोगे 11th मैट्रिक्स स्कूल की क्लास चालू हो गई जाना है क्या जाओ जाओ चले जाओ स्कूल निकल जाओ मैं एक दो फॉर्म लिख रहा हूँ लिख के चले जाओ बस ठीक है ठीक है ये तो फॉर्म ले जाओ मेरे पास से बस tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वहां 1 प्लस था या 1 माइनस है एक साथ नहीं मिला दोनों ठीक है और लिखिए sin 3 थीटा क्या होता है 3 sin थीटा 3 sin a 3 sin थीटा या 3 sin a लिख सकते हो थ्री साइन थीटा माइनस का फोर साइन क्यूब थीटा ठीक है इसके बाद आता है कॉस थ्री थीटा
फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस का थ्री कॉस थीटा, इसके बाद होता है टेन थ्री ए, बस लास्ट फॉर्मूला ये लिख लो, इसके बाद चले जाओ। थ्री टेन थीटा माइनस का थ्री टेन क्यूब थीटा अपॉन में वन प्लस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले इस थे जो आपको पढ़ना है इसमें। अब आपके क्वेश्चन लगाना लग जाएंगे आराम से, स्टार्टिंग कर दोगे पहले क्वेश्चन से तो अभी उड़ा दोगे क्वेश्चन से बहुत एंड, ठीक है। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। एंड कर रहा हूँ क्लास, नोट तो नहीं करना किसी को? चलिए कर लिया सर मैंने। थैंक यू सर।